हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि अगले एक साल बाद आप लोगों की लाइफ कैसी होगी, आप लोग किस सिचुएशन में होंगे, किस हाल में होंगे, कौन से बदलाव आपकी लाइफ में आ चुके होंगे, कौन कौन से लेसन्स आप सीख चुके होंगे और कौन सी एक तरीके से क्या यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, क्या करके आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, सो दैट अगला ये जो एक साल है ना, ये जो टाइम है आपका प्रोडक्टिव रहे। ऐसा ना लगे आपको कि जहाँ हम एक साल पहले थे वहीं हम एक साल बाद हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेम सिचुएशन रहती है और जब इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन सी क्रिएट होती है ना। तो एक लाइफ का ग्राफ ऐसा है ना कि मतलब कुछ ना कुछ हमें अचीव करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। दो ऑप्शन यहाँ पे हमने रख रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी व्हील एंड साथ में है यहाँ पे ये एक्वा ऑब्सीडियन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड साथ में है यहाँ पे ये रेड जेस्पर। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में से जो भी जिससे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसे चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने द व्हील और साथ में ये एक्वा ऑब्सीडियन क्रिस्टल को चूज किया है तो देख लेते हैं अगले एक साल बाद आप लोग कैसी होगी आपकी जिंदगी, कैसी होगी आपकी लाइफ एंड कौन से बदलाव आ चुके होंगे, कौन से चेंजेस आ चुके होंगे, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस स्टोन को, वो सॉरी कार्ड को एंड इस स्टोन को मैं थोड़ा साइड से रख देती हूँ। मुझे लर्निंग यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है बार बार, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, कुछ सीख रहे हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपनी जिंदगी में आप लोग सीख रहे हो। जैसे कहते हैं ना वो गुरुओं का आशीर्वाद होना है ना, तो या तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीख रहे हो। मैं केवल वैसी स्टडी की बात नहीं कर रही हूँ, किताबी पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिंदगी से जुड़ी हुई है ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको नई नई जैसे पता चल रही हैं, सीख रहे हो, क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। ये स्टोन को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, स्ट्रेंथ, द हाई प्रिस्टेस, ओके, ठीक है, थ्री ऑफ सॉट्स, द हर्मिट। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग के जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहली चीज ना द मैजिशियन, आपने अपने आसपास के जो भी लोग होंगे ना, आपने बहुत ज्यादा कोशिश करी होगी वहां पे कि आप चीजों को ठीक रख सको, आप सबको सेटिस्फाई कर सको, आप सबको खुश कर सको, अपने परिवार को मजबूती से रख सको, लेकिन हमेशा जैसे आपने दिया ही दिया है ना, बहुत मेहनत करी, अपना बहुत टाइम भी आपने दिया, लेकिन स्टिल से आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला। चीजें आपने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि सही रहे लेकिन वो नहीं रही, इसकी वजह से मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए हो पास्ट में, और वो जो आप नेगेटिव हुए उसका सीधा सीधा असर पड़ा आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर,
है ना, एक जैसे पर्सन होता है ना, डिप्रेशन डिप्रेशन से मैं चला जाना कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं है, कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, या फिर यू नो जस्ट एक जी रहे हैं लेकिन कोई भी मोटिव नहीं है लाइफ का, है ना, ऑफिस जा रहे हैं तो बस वो पैसे कमाना, डाइट, मतलब वो सारी चीजें मैं देख रही हूँ। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में एक शॉकिंग सा मोमेंट, एक शॉकिंग मोमेंट नहीं कहूंगी मैं से एग्जैक्टली, लेकिन एक वो अवेकनिंग का मोमेंट आया, कुछ ऐसा आपके सामने आया, आपने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना कि आपको ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ, जी रही हूँ, या फिर जस्ट यू नो एक काट रहा हूँ, दोनों चीजों में डिफरेंस है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं जैसे आप मजबूर हो गए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपने जन्म लिया है तो वो क्यों लिया है, आप अपनी लाइफ में चीजों को बदल सकते हो तो वो किस तरीके से बदल सकते हो, या तो ये हो चुका है या फिर से ये होने वाला है। देखो एनर्जीज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं बिकॉज जनरल रीडिंग है। हाँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगले 1 साल बाद अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे यहाँ पे लर्निंग का मैसेज मिला था ना, और यहाँ पे हाई प्रेस्टिस भी है, बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव लेके आ रहे हो, जैसे कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना हो गया, बहुत अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ना हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना हो गया, और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकती हैं, भगवद गीता, रामायण, यू नो जो भी बाइबल कुरान, जो भी आप लोग पढ़ते हो, जो भी जहाँ से भी आप रिलेट करते हो, तो वहां से कहीं ना कहीं बहुत सारी जैसे वो नॉलेज गैदर करना अगले 1 साल में, यू नो आप लोग, मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर इतना बदलाव आ जाएगा कि आपके आसपास चाहे लोग यू नो लड़ रहे हो या कुछ भी आपके आसपास, यू नो कितनी भी अशांति कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन आप वो जो शांति, वो जो पीस होती है उसे अपने दिल में ढूंढ लोगे, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है ना कि फर्क नहीं पड़ता, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जितने एफर्ट्स करने थे, मैं मुझे जितना समझाना था मैंने कर लिया, अभी नहीं समझना है तो भाई तुम देखो अपना, वैसी सी कुछ यहाँ पे एनर्जी है। और अपने टाइम को, अपने वक्त को आप अपनी ग्रोथ में लगाओगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाओगे, और जब आप खुद को हील कर रहे होंगे ना तो आपको अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता पड़ेगा, आपको पता पड़ेगा कि आपके अंदर कितने ब्लॉकेजेस थे, है ना, आपकी लाइफ में यू नो आपकी कितनी सारी शेडो साइड्स थी जिनकी, जिनको आपको हील करना है, जिनके ऊपर आपको काम करना है, और एक कम्प्लीटली जैसे कम्प्लीटली पर्सनैलिटी चेंज हो जाना, कम्प्लीटली एक पर्सन का बदल जाना, उसकी सोच का बदल जाना, उसके जीवन में जो मोटिव है उसका बदल जाना, अभी तक जैसे आप केवल अपने परिवार में ही लगे पड़े थे, वहीं तक आपकी जो सोच थी वहीं तक थी, लेकिन अभी आपकी सोच का ब्रॉड होना, है ना, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बेसिकली अब इस पूरे 1 साल की जर्नी में ना आप अपनी जिंदगी के सही मायनों को ढूंढ रहे हो, आप अपनी वैल्यूज को ढूंढ रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो, आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर ही उस भगवान को ढूंढ रहे हो, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज मिल रही है। मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देख बहुत ही अच्छी है, और इसमें जो कार्ड्स का जो इलस्ट्रेशन है वो बड़ा ही अच्छा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हो, मुझे इसे ना सुनाई दिया कोचिंग सेंटर, आई डोंट नो, मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे अपना कुछ कोचिंग टाइप आप लोग घर से स्टार्ट करना, घर से खोलना, या देखो किसी भी चीज का कुछ भी हो सकता है, कुछ सिखाना, कुछ पढ़ाना, कुछ नया आप लोग शुरू करने का सोच रहे हो, कोई बिजनेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, उसके लिए पूरी प्लानिंग्स बना रहे हो, सब कुछ सोच रहे हो, लेकिन से शायद ना जो आप चाह रहे हो चीजें वैसे आपके फेवर में हो नहीं पा रही हैं, और जो आप शुरू करना चाह रहे हो वो शुरुआत कर नहीं पा रहे हो, मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, लेकिन अगले 1 साल में वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी कुछ डिले आपके लिए हो रहा है ना, वो भी आपके गुड, वो भी आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, वो भी आपके हाईएस्ट कुछ के लिए ही हो रहा है, ये जो डिले आपकी लाइफ में हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है कि आप अपने अंदर के जो और ब्लॉकेजेस है ना आप उन्हें निकाल दीजिए,
आपकी एक पर्सनैलिटी में और ज्यादा वो पावर आ जाए, और ज्यादा वो दम आ जाए कि आप जो कहो लोग उसे सुने, उसे समझें, है ना। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक चीज यहाँ पे ये कही जा रही है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको खुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हेल्दी रखना पड़ेगा। और ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की यही कहानी है। ये पर्सन हर लेवल पे इसने अपने आप को एकदम फिट रख रखा है। तो यहाँ पे इन केस अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज रहते हैं, लेजीनेस रहती है आपकी बॉडी में, आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोगों को यहाँ पे जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम भी रह सकती है, अपने आप को मूवमेंट में लेके आइए, ठीक है। वर्कआउट करिए, फिजिकल वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करने जाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको अपनी जिंदगी में ऐड करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में शायद पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैनिफेस्टेशन करिए। आप लोग पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ऐसी किसी चीज को जिससे पैसा आए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है पहले अपनी वेल बीइंग को मैनिफेस्ट करिए, पहले अपने फिट रहने को मैनिफेस्ट करिए। क्योंकि अगर आप फिट हैं, आप एकदम हेल्दी हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो आप जो चाहें वो कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको आराम भी करना है, रेस्ट भी करना है, अपना ख्याल भी रखना है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। ये यहाँ पे चीज कही जा रही है। टू ऑफ सॉर्ड्स के बाद यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है कि शायद से जो आप कर रहे हो लोग आपको उसमें सपोर्ट ना कर रहे हो, या फिर लोग ऐसे कह रहे हो कि भाई तुम तो जो करने जा रहे होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ऐसे कर पाओ, है ना। आपके ऊपर डाउट करना, और हो सकता है कि इस वजह से आप अपने ऊपर खुद ही डाउट करने लग जाते हो कि कहीं ये लोग सही तो नहीं कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं फेल हो जाऊं, है ना। वो चीज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है कि हिम्मत नहीं आना है। यही मैंने यहाँ पे कहा था कि अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, हाई वाइब्रेशन में जाइए, ठीक है, कि आपके ऊपर लोगों की बातों का इम्पेक्ट ना पड़े, लेकिन आपकी बातें जो है ना उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे पड़े। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे ना डियर, लोग आपको तब भी सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी साइंस है यहाँ पे। अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट चक्रा, ओके, ह्यूमन होल्डिंग ए कॉइन, एक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट चक्रा का कार्ड आया है, ठीक है। तो अपने फर्स्ट चक्रा के ऊपर काम करिए। ये जो जब चक्रा है, जब स्टेबल नहीं होता है ना, तो इंसान के अंदर डर, एंजाइटी, फियर या फिर इनस्टेबिलिटी कुछ ज्यादा ही रहती है। तो अपने इस रूट चक्रा से काम करें। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करूं, फर्स्ट चक्रा पे काम करके स्टार्ट करिए, ठीक है। इसके लिए आप फर्स्ट चक्रा की जो एफर्मेशंस है ना, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप वहां से गूगल करिए, एफर्मेशंस दीजिए, रेड कलर के फ्रूट्स को खाइए, ठीक है, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, अपने घर की जो दीवारें होती है ना इनको टच करके ब्लेस करिए। ये रूट चक्रा ग्राउंडिंग करना अपनी, इससे आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होता है। या फिर से आप लोग चाहें तो जो कार्नेलियन का स्टोन होता है ना, सी ए वाला जो स्टोन है, इसका आप ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखाती हूँ पास से थोड़ा, ये वाले स्टोन कार्नेलियन का आप लोग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके साथ है यहाँ पे वुमैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड, ठीक है। तो अगले 1 साल में आपकी लाइफ में काफी कुछ मैं देख रही हूँ कि ग्रोथ आएगी। एक कहता है ना कि अपना नाम बना पाना, अपना एक पहचान बना पाना, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी लाइफ में रहेगी। और इसके बाद है यहाँ पे एक्शन, तो बड़ा ही एक्शन ओरिएंटेड आप लोग रहने वाले हो, ठीक है। अगले 1 साल बाद जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। आप हर तरीके की सिचुएशन से डील करना सीख जाओगे, हर तरीके के लोगों के साथ आप लोग डील करना सीख जाओगे। और अभी आप जिन बातों को लेके परेशान होते हो ना, 1 साल बाद वो बातें, वो चीजें आपको इफेक्ट भी नहीं करेंगी, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट,
The divine director, intervention and purpose. Divine intervention is a claim. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो भाई अपने आप को खुश रखना आपका सबसे पहला पर्पस है. अपना ख्याल रखना, अपने आप को खुश रखना, ये सबसे पहला आपका पर्पस है. और जैसे कि यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपको गाइड किया जा रहा है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो वो साइंस को अडॉप्ट करिए और आगे बढ़िए. सबसे बड़ा इसका साइन ये होगा कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है. ठीक है, सबके लिए मैसेज नहीं आते हैं. मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे मैच नहीं करी हमारे लिए, तो मैंने कहा भाई आपके लिए नहीं था मैसेज इसलिए नहीं करी, है ना. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस एंड मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम. तो यहाँ पे मदर हीलिंग की बात की जा रही है. अगर आपके आपकी माँ के साथ रिश्ते कुछ खराब हैं या कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, अगले एक साल में यहाँ पे मदर हीलिंग है. या फिर से अगर आपकी मदर को कुछ इश्यूज हैं किसी भी तरीके के, है ना, तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं, वो हील हो रही हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इस कार्ड में आप देख रहे हैं क्या है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट. यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको खुद को सही प्रूव करने की जरूरत नहीं है. अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है देन लेट इट बी. हम हर किसी को खुद को प्रूव नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे है चूज पीस, कि शांति को बनाए रखें, अपने मन को शांत रखें. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो. आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा. अच्छी लगी हुई रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा. साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड अगर आपको लगता है कि रीडिंग किसी से रेजोनेट करेगी तो उनसे शेयर भी कर लें. एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स वगैरह, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं. रीडिंग्स की डिटेल भी आपको वहीं से मिलेंगी. एंड स्कैमर से सावधान रहें. जो भी लोग आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके अपना नंबर शेयर करते हैं वो सब फ्रॉड हैं. अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं आप मुझे केवल वहीं से कनेक्ट करेंगे. ओके, सो अपना ख्याल रखिए एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय. हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये एस ऑफ कप्स और साथ में ये रेड जेस्पर के स्टोन को चूज किया है तो देख लेते हैं अगले एक साल बाद आप लोगों की लाइफ कैसी होगी, कौन कौन से बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे एंड क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे. तो ये कार्ड को हम साइड से रख देते हैं. एंड सबसे पहला मैसेज मुझे जो इस स्टोन से मिल रहा है, कीवर्ड वो है करेज, साहस. तो बहुत ज्यादा जैसे स्ट्रेंथ आप लोगों के अंदर आने वाली है, स्ट्रॉन्ग आप लोग बन रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपनी जिंदगी को समझ रहे हो, प्रॉब्लम्स के साथ डील करना, मुश्किलों के साथ डील करना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपको आ रहा है. हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आप लोग के अंदर आ रही है. मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप लोग अभी मैच्योर नहीं होंगे, आप लोग होंगे, लेकिन अभी जैसे और ज्यादा चीजों की समझ, एक वो मैच्योरिटी, एक वो अंडरस्टैंडिंग, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर आ रही है. एंड काफ़ी कुछ अचीव भी करोगे अगले एक साल में. सो ये स्टोन को साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स. ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस. ओके, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं भाई बहुत मेहनत करने वाले हो. कहते हैं ना अपनी जिंदगी को खुद बनाना, अपने सपनों को पूरा करना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मेहनत करना, दिन और रात अपने जैसे वो एक कर देना, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें देख रही हूँ. उसके साथ साथ ये दोनों कार्ड मुझे क्रिएटिविटी का मैसेज दे रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो सक्सेस मिलेगी वो क्रिएटिविटी के साथ मिलेगी. जस्टिस, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ. एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट मैसेज दिया कि क्रिएटिविटी, ठीक है, उसके साथ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में जो सक्सेस है वो मिलेगी. क्रिएटिव आपको बनना पड़ेगा और ज़्यादा आपको अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करना पड़ेगा, चाहे आप लोग किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो,
है ना, कोई भी आपका काम हो, लेकिन आप जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है, जिस भी काम की आप कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए टेबल है ना, मैं चाहूँ तो ऐसे ही रीडिंग कर लूँ, लेकिन विथ प्रेजेंटेशन, कि आप यू नो अच्छे तरीके से चीज़ों को सेटल कर रहे हो, उसके बाद आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, आप किस तरीके से खुद को ड्रेसअप कर रहे हो, किस तरीके से आप यू नो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने, ये बहुत मैटर करेगा अगले 1 साल में। ठीक है, मतलब 1 साल बाद आपकी लाइफ क्या है, ये इस चीज के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, बहुत ज्यादा ये चीज मैटर करेगी। तो ये यहाँ पे मैसेज है, दी एम्प्रेस मुझे यहाँ पे इतना अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इस कार्ड से मूव कर ही नहीं पा रही हूँ इनकी साइड। एंड ये एनर्जी इतनी ज्यादा यू नो ग्रोथ वाली है, फर्टिलिटी वाली है, अपना नाम कमाना, फेम कमाना अपनी मेहनत से, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे हैं। और मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि अगले 1 साल में यू नो आपका लक आपके फेवर में बहुत रहने वाला है, लक आपके साथ बहुत ज्यादा रहेगा। एंड इसके साथ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि भाई सही रास्ते पे चलना। कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि तुम इस शॉर्टकट वे से जाओ, या फिर ऐसे करो तुम हमारे साथ टाई अप कर लो और मिलके हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपको कुछ टेम्पटेशन टाइप यू नो सपने दिखाना बेसिकली। और आजकल आपको इस तरीके के लोग यू नो दुनिया में बहुत मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी आप जो काम कर रहे हो पूरा लीगल वे के साथ करना, लीगल यू नो उस प्रोसेस के साथ करना, सही रास्ते पे चलना, ये मत सोचना कि मुझे कम टाइम में ज्यादा पैसा मिल जाए तो यू नो अपना रास्ता बदल लेना। आपको जैसे क्या किस तरीके से इस एनर्जी को एक्सप्लेन करूं, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। शायद कुछ लोगों के सामने ऐसी चीजें भी हो रही हो, मोर ऐसे कुछ ऑफर्स आपके सामने आ रहे हों, लेकिन आपको सही रास्ते को चूज करना है, चाहे आपको सक्सेस थोड़ी सी लेट मिले। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के उसमें नहीं आना है, झलासे में क्या बोलते हैं, झांसे में टाइप है ना, उसमें आपको नहीं आना है बेसिकली। ये वो कार्ड कह रहा है, अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो आपको वो ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया ना तो उसका फिर खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, ये यहाँ पे है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और इसके साथ है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आप लोग फील करोगे खुद को। ये अगला 1 साल यू नो आपके लिए कहीं ना कहीं 1 साल बाद आपकी लाइफ ऐसी होगी कि मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत आगे जाना है, तो वो पूरी एनर्जी एंथुजियाज्म जो होता है ना वो आपके अंदर कहीं ना कहीं होगा। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स के यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि थोड़ा सा थम के चलना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत ग्रोथ है, नेम फेम भी आपको मिल रहा है, इन केस अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा जैसे मैं देख रही हूँ कि ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना वो ग्राउंडिंग के साथ काम करना है ना, वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं करना है, लाइक अपनी मदर अर्थ से जुड़ा जुड़ा रहना। और जो आप जैसे अभी सोचते हो कि मेरे पास, देखो मैं बहुत डीपली चीजें बोल रही हूँ, लेकिन जैसे आप अभी सोचते होंगे कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये करूंगा मैं वो करूंगी, यहाँ पे एक मैसेज ये है कि जब आपके पास पैसा हो तो आप भूल ना जाना, है ना, कि आप अभी क्या प्रॉमिस करते हो, कि आप लोग सोचते हो कि मेरे पास पैसा होगा मैं गरीबों की हेल्प करूंगी, मैं ऐसे दान करूंगी, मैं वैसे दान करूंगी, आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूल मत जाना वो चीज को। ठीक है, तो एक वार्निंग समझ लीजिए या फिर रिक्वेस्ट कुछ भी समझ लीजिए, है ना, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज है। दूसरी चीज, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि स्टेबिलिटी के साथ आपको चीजें करनी है अपनी लाइफ में। अगेन वही मैसेज है कि बहुत तेजी से नहीं भागना है, बहुत तेजी से भागते हैं ना तो जल्दी से थक जाते हैं और कुछ रास्ते में आ गया तो गिर भी जाते हैं है ना, तो अपनी स्पीड को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट रखिए, है ना, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। अभी कुछ और भी कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन टू। ओवरऑल अगले 1 साल में बहुत ग्रोथ है आप लोगों के लिए, ऑप्शन टू। कुछ लोग की यहाँ पे शायद से जॉब भी लग सकती है, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगले 1 साल में आपका कहीं भी सिलेक्शन भी पॉसिबल है, वो भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन टू। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अगर यहाँ पे यू नो ऐसे प्रोफेशन में है टीचिंग वगैरह टाइप, तो वो साइड से भी अपना कुछ बिजनेस करेंगे, या फिर जॉब के साथ भी वो अपना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कोशिश में हो सकता है लगे हुए हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है,
ये ऐसी एनर्जीज है ना थ्री ऑफ वॉन्स वाली, कि अब आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। जो भी आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल थी, जो बुरा वक्त था, जहाँ पे आपने फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला, अब वैसा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे वो बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना घर में एकदम से बरकत होना, एकदम तरक्की हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई स्टूडेंट है, अभी कुछ भी पैसा नहीं है, जो स्टूडेंट्स होते नहीं होता है ना, लेकिन सपोज से एकदम से आपकी कोई 1-2 लाख के पैकेज पे जैसे जॉब लग गई। मैं आपको सपने नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहें तो अपनी मेहनत करके, अपने पूरे जुनून से, अपने यू नो पैशन से, आप इन एनर्जीज में टैप इन कर सकते हैं। और आप खुद आके फिर 1 साल बाद मुझे बताओगे कि आपने बोला था एंड देखो हो गया। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है यू नो आप लोग के कॉमेंट्स, आप कमेंट्स को रीच करके, और स्पेशली जो लोग आप डीएम्स करते हो ना मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दी हर्मिट, ओके, अच्छा, द स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। हाँ, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे भाई ट्विस्ट आ रहा है। देखो जैसे मैंने कहा कि बहुत ग्रोथ है, बहुत नाम कमाना, बहुत ही पैसा कमाना, लेकिन एनर्जी ऐसी है कि भागना, वो भागते रहना, वो भागते रहना। जो आपने अपना अभी गोल सेट किया है, आप उसे अचीव कर लोगे, आप उसे हासिल कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद आपकी लाइफ में से कहीं ना कहीं वो पीस चली जाए। जब बहुत ज्यादा काम हो जाता है ना, तो हम शायद फिर वो चीजें नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं करना। ऐसा होता है अक्सर कि यू नो कभी कभी मैं भी अपनी फैमिली यू नो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने कर तो लिया, लेकिन अभी मतलब क्या, अभी बस ऐसे ही चलते रहना है, अभी बस ऐसे ही मैं 9 to 5 जॉब करता रहूँ, अभी बस ऐसे ही बस ये पूरी ज़िंदगी करता रहूँ। आपको बेसिकली अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी, अगर आपके लाइफ में से क्रिएटिविटी लॉस हो गई तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। तो आप कुछ भी करके अपने काम को यू नो एक्साइटमेंट, यू नो एक्साइट कैसे भी करके, मतलब कि आप बोर ना हो मतलब अपने काम से। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो आपको हर दिन एक्साइटमेंट रहे कि आज कुछ हम नया करने जा रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी है, आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए करने को हर वक्त। आप एक ही चीज से बहुत जल्दी यू नो फेड अप से, बोर से हो जाते होंगे। तो अपने काम में एक्साइटमेंट जो है वो आपने बनाए रखनी है। उसके साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे 9 of Swords की एनर्जी है। देखो कभी कभी यू नो क्या होता है कि हम लोग किसी, सपोज हम किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। अब जॉब तो आपने मैनिफेस्ट कर ली, लेकिन वहां पे आपको एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला, वहां पे कलीग्स आपको ऐसे मिल गए। तो आप जो भी चीज को मैनिफेस्ट करें वो प्रॉपर मैनिफेस्ट करें। आपको कैसा ऑफिस चाहिए, आपको किस लोकेशन पे ऑफिस चाहिए, आपको कैसे कलीग्स चाहिए, है ना, आपको कितना यू नो आपका सैलरी पैकेज चाहिए, आप सारी चीजों को यहाँ पे मैनिफेस्ट करें। जस्ट यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रही है कि आप सक्सेस तो बहुत हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी खलेगी, और वहां से फिर आपकी लाइफ में, अगले 1 साल बाद की बात कर रही हूँ, वहां से फिर आपकी जिंदगी में एक नई जर्नी शुरुआत होगी। ठीक है, कि वो कमी क्या है और उसको आप किस तरीके से फिल कर सकते हो। ये अभी की एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा यू नो इस पर फोकस नहीं कर रही हूँ, है ना, लेकिन अभी तो भाई आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी देखो अपने प्रेजेंट के ऊपर ही फोकस करना, मैं आपसे यही कहूंगी। हालांकि रीडिंग यही है कि 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, लेकिन अभी आपको इन एनर्जीज पे फोकस करना है। जस्ट क्रिएटिविटी को ध्यान में रखिएगा, सही रास्ते पे चलना है इस चीज को ख्याल में रखिएगा, और मॉडरेट स्पीड रखनी है इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अभी कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम। ऑप्शन 2, पता है हर चीज का ऑप्शन 2 एक सही समय होता है। आप लोग, मुझे पता नहीं ऐसा फील हुआ कि कुछ क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे जो आपके लिए चैनल मैसेज मिला है वो ये कि हर चीज का एक सही समय होता है, और वो चीज अपने सही वक्त पर ही होती है। आप सोचो कि आज ही आपको सारी चीजें पता चल जाए, आज ही सब कुछ हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक प्रोसेस है और हम सब उस प्रोसेस का एक हिस्सा है, है ना। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट को जियो, ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोग यहाँ पे यू नो अपनी फैंटेसीज में जैसे लॉस्ट रहते हैं। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है।
सो यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग की नीड है, ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी है भाई, बहुत सक्सेस है। ऑनलाइन अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सोशल मीडिया हो गया, कुछ भी कुछ भी ऐसा है आपका काम, तो वहाँ पे बहुत नेम फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको जाना जाएगा, आपको पहचाना जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और आपके अगले 1 साल में कनेक्शंस भी काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं लोगों के साथ। उसके बाद है यहाँ पे सेकेंड चक्रा का कार्ड, और इसके साथ में है अटैचमेंट का कार्ड। कभी कभी जैसे मैंने एक मैसेज दिया था कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज है कि अपनी पर्सनल लाइफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चले, ओके। एंड सेकेंड चक्रा का कार्ड, सेकेंड चक्र आपको पता है किस चीज के लिए होता है? क्रिएटिविटी के लिए। आप लोग चाहें तो सेकेंड चक्रा के बारे में पढ़ सकते हो, आपको गूगल पर सब कुछ मिल जाएगा, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। सेकेंड चक्रा के बारे में पढ़िए, ये क्रिएटिविटी का चक्रा होता है, और ये यही कह रहा है कि क्रिएटिविटी, आप कहीं पे लिख लीजिए क्रिएटिविटी इज योर कीवर्ड, आपको क्रिएटिव रहना है। और आपको एक चीज बताऊं, ये जो सिट्रीन का क्रिस्टल है ना, आप लोग को बहुत सूट करेगा, बिकॉज ये सेक्रल चक्रा का ही क्रिस्टल है, ये आपको बहुत सूट करेगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको वेयर कर सकते हैं, इसको परचेज अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी प्रोसेस भी बता देती हूँ जब क्रिस्टल देती हूँ तो, कि उसको यूज़ किस तरीके से करना है, सो कोई परेशानी वाली बात नहीं रहती। इसके साथ में है यहाँ पे अटैचमेंट, और ये वाला फैक्टर भी ना कहीं सेकेंड चक्रा से ही जुड़ जाता है कि हम कुछ कभी कभी ये अटैचमेंट, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि आपका कुछ लोगों के साथ है, ये अटैचमेंट आपका हो सकता है कि पर्टिकुलर कुछ चीजों के साथ भी आपको अटैचमेंट हो जाता हो। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि आप लेट गो की आदत डालिए। जब हम अपनी लाइफ में कुछ नई चीजें आती है ना, तो कुछ चीजों को बाय बाय भी बोलना पड़ता है ना, तो वो यहाँ पे मैसेज है। अभी मैं लास्ट यहां से देख लेती हूँ, ऑप्शन 2। कमांडर स्टार कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे एक कमांडिंग पर्सनैलिटी मुझे आप लोग की नजर आ रही है, कि दूसरे लोगों को कमांड करना, बेसिकली मुझे यही यहाँ से मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लोगे, अपने डिसीजन आप लोग खुद लोगे, और एक कॉन्फिडेंस, एक करेज जो यहाँ से मैसेज मिला था ना कहीं वो आप लोगों के अंदर आ रहा है। और अगले 1 साल में इतनी आपकी ग्रोथ होने वाली है कि आप लोग दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हो, है ना, कुछ ऐसा सा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। उदीन, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो भाई आपकी साइकिक एबिलिटीज जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को आपको अपनी इंट्यूशन का यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग आपके सामने कुछ गलत ऑफर्स ऐसे लेके आ सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में आपको इतनी ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, बहकावे में नहीं आना है, अपनी इंट्यूशन का यूज करना है किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। और भाई पर्सनैलिटी में तो बड़े ही बदलाव आ रहे हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के, और आप लोग लिख के रख लीजिए अपनी माइंड ऑफ स्टेट को, और आप 1 साल बाद उसे पढ़ना आप कितने बदल चुके हो आपको तब पता पड़ेगा, ओके। सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो। आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, एंड अच्छी लगी हुई रीडिंग तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ में चैनल पे पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड अगर आप लोग क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका जो लिंक है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक एंड जीमेल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट करेंगे। और जो लोग भी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं वो स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनकी बातों में आपको नहीं आना है, और अपना अपना ख्याल रखिए, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।